Assalamu alaikum nazareen. Welcome to your own show Bhoojo To Jeeto. Aapki host Aleena Haroon. Aaj hain ek bahut pyare mall mein. Aap uski khoobsurti dekh ke use guess karenge kaun sa mall hai. And main aapko bata dungi kyunki Bhoojo To Jeeto aapse ab har cheez bhooje. To chaliye ji aaye logon ke paas chalte hain. Balki log aa chuke hain hamare paas. Unse bahut sari baatein karte hain. Unka chupa hua talent screen par lekar aate hain. Unko Lahore news ki taraf se bahut sare naam dete hain. To aaye logon se baatein karte hain. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Aapka naam? Bazega Hasham. Hasham Lodhi. Baby ka naam? Baby ka naam hai Shahir Akhtar. Shahir Akhtar. Kya karte hain aap? Main jo traffic police mein. Oh, very nice. Aur aap kya karti hain? Housewife. Okay ji, mujhe bataein ki wo kaun sa mulk hai jahan par sabse zyada twins bacche paida hote hain. Takriban har dusre ghar mein twins hain, mashallah. Acha, mostly to I think या अमेरिका या इंग्लैंड इन दो में से हो सकता है दोनों ही नहीं है अरे नहीं ख्याल पाकिस्तान में होते होंगे हाँ क्या शेयर करेंगे शेयर कोई भी शेयर कर सकते हैं चाइनीज साथ था मुझे चाइनीज की रेसिपी बना सकती हूँ चाइनीज में पहले जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको फ्राई कर लें आप लाइटली फ्राई करें उसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट डेवलप नहीं होगा ठीक है उसके अलावा राइस बॉईल कर लें और अंडा जो है उसको जो है ना फ्राई करके अगर आप डालेंगे तो टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा फ्लेवर वाइज बहुत अच्छा होता है ठीक है उसका राइस बॉईल करके वेजिटेबल्स को सब में उसके अंदर डाल दें उसमें आप सोया सॉस और सेका वगैरह ऐड करेंगे तो वो बहुत अच्छा है आपके मतलब फ्लेवर वाइज आपका बहुत अच्छा आएगा इसके अलावा मंचूरियन है मंचूरियन की रेसिपी में आप मंचूरियन का बॉक्स मिलता है वो यूज़ करें चिकन को मैरिनेट करके उसके अंदर रख दें मैरिनेशन के बाद उसको आप लाइटली जो है ना लहसुन को फ्राई करिएगा और उसमें चिकन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसका सारी जो ग्रेवी बनाने के लिए केचप वगैरह ऐड करनी है और जो है ना थोड़ा सा उसको लाइटली जब तक चिकन आपका फुल नहीं हो जाता मतलब कि बन नहीं जाता तब तक आप करके और उसके बाद वो रेडी हो जाता वेरी नाइस ये ले जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए थैंक यू थैंक यू जी बहुत प्यारी फैमिली थी माशाल्लाह और जी उन्होंने जो बताया कि अमेरिका और इंग्लैंड तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ ना अमेरिका में है ना इंग्लैंड में और पाकिस्तान में रहते हुए आप लोग कह रहे थे पाकिस्तान आपने देखे हैं दूसरे घर में बच्चे ट्विंस ये एक बड़ा फेमस मुल्क है इस लिहाज से कि इसके हर दूसरे घर में जो है वो ट्विंस बच्चे हैं तो जो घर बैठे लोग हैं मैं उनको एक हिंट देती हूँ कि उस मुल्क का जो नाम है वो एन से शुरू होता है तो जो घर बैठे हैं वो सोचें कि वो कौन सा मुल्क है हम किसी और से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है महरीन महरीन क्या करती हो टीचिंग करती हूँ क्या पढ़ाती ओके क्या पढ़ाती हो बच्चों को सब्जेक्ट कौन से इंग्लिश मैथ्स अच्छा सही पढ़ा लेती हूँ हाँ जी जी क्या रिजल्ट आता है बच्चों का ए प्लस बी पक्का हाँ जी देख लें रिजल्ट भी आया था अच्छा तो कहाँ पे रहती हैं मैं यही टाउनशिप वहीं पर ट्यूशन है जी जी क्या फीस है आपकी 500-600 ओके तो कितने बच्चे पढ़ा लेती हैं एक टाइम में मैक्सिमम आ जाते हैं 15-16 अच्छा चले जी गुड हो गया ओके जी सवाल करें आपसे जी रेडी हैं हाँ जी ओके मुझे आप जल्दी से ये बता दें कि आप टंग ट्विस्टर करेंगी ब्लू ब्लड रेड ब्लड तेज तेज बोलना है ब्लू क्या कह रही है ब्लू ब्लड रेड ब्लड 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 ब्लू वेरी नाइस क्लैपिंग करो अपने लिए क्या शेयर करो चिकन रेसिपी चिकन कढ़ाई रेसिपी सबसे पहले ऑयल लें उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट कर लें उसके बाद आपने चिकन की क्वांटिटी रख लें 1/2 kg तमाम मसाले नमक कुटी हुई मिर्च साबुत धनिया ज़ीरा वगैरह ये सारी चीज़ें डाल लें ऐड कर लें और उसके बाद थोड़ा सा दही मिक्स करके स्टीम में लगा दें और लास्ट में कोयले का स्टीम दे दें और ये बहुत अच्छा अच्छा जी घर में कौन शौक से खाता है आपके हाथ का खाना सारे ही मामा पापा डिमांड करके कौन बनवाता है मामा मामा लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू ये वेलकम जी इन्होंने जो है वो एक टंग ट्विस्टर जो है वो ट्राई किया ब्लू ब्लड रेड ब्लड ब्लड नहीं ब्लड ब्लू ब्लड रेड ब्लड चलिए आप भी ट्राई करते हैं ब्लू ब्लड रेड ब्लड ब्लू ब्लड रेड ब्लड ब्लू ब्लड रेड ब्लड इतना कोई मुश्किल नहीं है वैसे ये और जी किसी और से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आपका नाम आयशा
आयशा क्या करती हो? मैं हाउस वाइफ। आज मॉल में कैसे आई आप? शॉपिंग करने। क्या शॉपिंग की? ड्रेसेस लिए। किस कलर का ड्रेस लिया आपने अपने लिए? लेने हैं अभी। और कितना टाइम बचा? क्या कर रही हैं जब से आई हैं? वो कजन्स के साथ मतलब शॉपिंग कर रहे थे, उन्होंने कर ली, अब मेरी बारी। अब ओके जी, चलिए जी, मुझे बताएं दुनिया का कितने फ़ीसद हिसाब पानी पर है, यानी कि समंदर पर? 70% 70 या 70? 70 राइट आंसर। क्या शेयर करेंगे? रेसिपी फ़िश की। मसाला फ़िश, पहले प्याज को ब्राउन कर लें, फिर उसको उसके अंदर टमाटर वगैरह डालें, जब ये मसाला बन जाए नमक मिर्च वगैरह सब कुछ डालें, और उसके अंदर फिर चिकन फिश के पीसेस डाल लें, वो जब अच्छी तरह फ्राई हो जाए, उसके मतलब कीमा की तरह हो जाए, तो उसके अंदर से कांटे वगैरह निकाल लें और दम पे रख के थोड़ी देर बाद तैयार। कांटे कैसे निकालें? कांटे चम्मच के साथ वो ऊपर उभर आते हैं, जैसे फिश के पीसेस रखते हैं ना दम पे रखते हैं, तो वो ऊपर उभर आते हैं। तो अच्छा जी, वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। वेलकम जी। इन्होंने बताया कि जब वो फिश को दम पे रखते हैं, अगर स्टीम देते हैं, तो जो कांटे हैं उसके वो ऊपर आ जाते हैं। वेल, अगर ऐसा होता है तो ये तो सारे नहीं आते होंगे, वो जो मोटे मोटे होते होंगे ना वो आ जाते होंगे। अच्छा, फ़िश में ये बहुत होता है कि उसका टेस्ट में ना बड़ा ख़राब होता है जब उसका कांटा आ जाए, क्योंकि उसके बाद आपका दिल ही नहीं करता वो खाने को, वो ऐसे चुभ जाता है। और अक्सर तो मेरे साथ तो मोस्टली ये होता है कि मुझे जब भी मैं फ़िश खाती हूँ उसमें कांटा कहीं ना कहीं ज़रूर जो है वो लगता है। किसी और से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर फारूक। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं, ओके जी। आज मॉल में कैसे आए? शॉपिंग। क्या ख़रीदा? ओ, फैमिली है वो ले रही है, मैं तो वैसे ही ओके चले जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है जी। मुझे बताएं, अगर गधे का मुंह मशरिक की तरफ है तो उसकी दुम, टेल का मुंह जो है रुख, वो किस तरफ होगा? ऑपोजिट होगा, डेफिनेटली डाउनवर्ड होगा, जमीन की तरफ। राइट, क्लैपिंग करें। क्या शेयर करेंगे? शेयर कर दूंगा। कल जो रोने पे मेरे टुक ध्यान उसका पड़ गया, कल जो रोने पर मेरे टुक ध्यान उसका पड़ गया, हंस के यूं कहने लगे कुछ आँख में क्या पड़ गया। जी, एक और शेर लाहौर की वसासत से। इस शहरे बेमिसाल को छोड़ के मैं उदास ही रहा, इस शहरे बेमिसाल को छोड़ के मैं उदास ही रहा, मैं कहीं भी गया मैं लाहौर ही रहा। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम जी। लाहौर तो फिर आखिर वो कहते हैं ना, एक गाना भी जो है वो बड़ा फेमस है कि लाहौर लाहौर है, लाहौर जैसा कुछ नहीं। अच्छा, आपको पता है जो लाहौर नाम का जो शहर है वो तीन जगहों पे है, पाकिस्तान में, अमेरिका में और इंडिया में। तीन जगहों पे जो है ये लाहौर नाम का शहर है, और सबसे फेमस जो है वो पाकिस्तान का है। तो माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमारे मुल्क को, हमारी सिटी को सलामत रखे। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नस्तीन। क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। चले जी, सवाल करें आपसे जी। मुझे बताएं, हमारे सुनने की ताकत पूरे दिन में सबसे कम किस वक्त होती है? जब काम काज से थक जाता है इंसान शाम। नहीं, और सोचें। सोते वक्त। सोने में तो आप एक्टिव होते ही नहीं हो ना, इसके अलावा काम काज करके इंसान थक जाता है ना, इसलिए फिर। क्या शेयर करेंगे? मैं शेयर करूंगी चेहरे ऑयल, चेहरे के बेसन और दूध दही मिक्स करके चेहरे पे लगाएं और चेहरा फ्रेश हो जाएगा। बस यही करना चाहती हूँ। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम जी। इन्होंने जो है वो एक अच्छी सी बात शेयर की आपके साथ, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी।
अच्छा, और पूरे दिन में हमारे जो सुनने की ताकत है वो कब सबसे कम होती है? दिस इज़ वन ऑफ द वेरी नाइस क्वेश्चन, ज़रूर इस पे जो है वो आप सर्च करें, हम किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फौजिया। क्या करती हो? मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, मुझे बताओ वो कौन सा जानदार है जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ 800 किलोमीटर दूर तक जाती है? हाथी। हाथी की आपको घर बैठे आवाज़ आई है कभी जू से? 800 किलोमीटर पता है कितना होता है? सांबा से भी आगे। बुलबुल आई थिंक कुछ भी। आती कभी बुलबुल कितनी दूर से? तो सोचो ना वो कौन सा है। मैं आपसे सर्दियों के हवाले से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। वो मैं सुनूंगी लेकिन पहले ये सोचो। ये नहीं आएगा। चलो ये मैं आपको सर्दियों के हवाले से, रोजाना लोग जो सर्दियों का मज़ा लेंगे इस चीज़ का, चिकन कॉर्न सूप, जिसके लिए आपको चिकन जो है वन पाव या उसको आप बॉईल कर लें और उसको बाद में पानी को छान के और चिकन को पीस अलहदा करके उसमें सब कुछ चाइनीज़ का सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, काली मिर्च ऐड करें और इस कॉर्न सूप जो है उसको रख दें ऊपर चूल्हे पे और उसके बाद उसमें कॉर्न और मशरूम्स डालें, एक एग लें उसमें मिक्स करके वो डाल दें, बाद में कॉर्नफ्लोर के लिए उसको आपने जितना वो करना है गाढ़ा और वो करके और वो आपका गरम गरम सूप तैयार है सर। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम जी। आपसे अगेन मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया था कि इस जानदार की जो आवाज़ है वो 800 किलोमीटर दूर तक जाती है। बहुत ही बड़ा जानदार है ये, कौन सा है जिसकी आवाज़ जो है वो आखिर 800 किलोमीटर यानी कि लाहौर से लेकर अगर आप इस्लामाबाद लगाएं तो उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आगे तक उसकी आवाज़ जाती है। अल्लाह पाक ने उसको इतना बड़ा बनाया है तो ज़रूर इसके ऊपर आप सोचें, अपने दिमाग को यूज़ करें, हम किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? किरण। आपका नाम? हसनैन। हसनैन, किरण प्लीज़ सामने देखें, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। बेबी का नाम? जेबाइश। क्या उम्र है इसकी? 2 साल। शरारती है? बहुत। आप क्या करते हैं? मैं प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है। ओके जी, आज मॉल में कैसे आना हो गया? मैं इनको खाने पे लेके आई हूँ आज। अच्छा, आप किस लिए? स्पेशल डे। अच्छा, लाती रहती हूँ। आप नहीं लेकर आते? नहीं, मैं भी लेके आता हूँ, रोज लेके आते हैं मैं कभी कभी। ओके चलिए जी, सवाल करें आपसे। जी बिल्कुल। मुझे बताएं वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले औरत को वोट कास्ट करने का हक दिया था? मुझे तो नहीं पता होगा। सबसे पहले औरत को वोट कास्ट करने का हक दिया? ब्राजील। नहीं पता मुझे। क्या शेर करेंगे? मैं शेर सुना दूंगा। थैंक यू। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं गालिब। वेरी नाइस। और आप? मैं ब्यूटी टिप शेयर करूंगी, ये हेयर्स के लिए, अगर आपके हेयर्स में डैंड्रफ है तो आप कोकोनट ऑयल में एलोवेरा जेल मिक्स करके लगाएं, उससे आपकी डैंड्रफ दूर हो जाएगी। वेरी नाइस। और सॉन्ग? तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम गना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम गना साया, तुमको देखा। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए। यू वेलकम जी। एक बहुत प्यारा जो है वो कपल था और वो जो उनकी मिसेज आज उनको खाने पर लेकर आई थी, कहीं थी अक्सर जो है वही प्लान करती हैं, तो ये इन्होंने जो एक एटीट्यूड रखा है आई थिंक ये बहुत नाइस है। हर दफ़ा मर्द से कंप्लेन करने की बजाय कि मोस्टली जो घरों में होता है कि आप मुझे यहाँ लेके चलें, आप मुझे वहाँ लेके चलें, आप कहीं लेके नहीं जाते हैं, तो इस तरह से लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। तो अगर आप इसको इस तरह रख लें, अगर वो आपको नहीं लेके जा रहे हैं आप उनको लेके चली जाए, इट्स नॉट अ बिग डील। आप कह रहे हैं आज मैंने प्लान किया हुआ आज हम वहाँ जा रहे हैं, तो वो कभी भी मना नहीं करेंगे। तो अगर आप दोनों तरफ से चीज़ें होंगी तो अच्छी होंगी। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।